आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बंगाली चमचम मिठाई की रेसिपी, जिसे बहुत ही आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं शुगुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ायका। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बंगाली चमचम बनाने के लिए 1 लीटर दूध लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क लिया है। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम गरम कर लेंगे। दूध के थोड़ा ठंडा हो जाने पर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस और साथ ही में डालेंगे 2 टीस्पून पानी। आप दूध को फाड़ने के लिए विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब ये ग्रीन वाटर बिल्कुल अलग हो चुका है और हमारा ये छेना बनकर तैयार है। अब हम स्ट्रेनर पर मसलिन क्लॉथ रखकर इसे छान लेंगे। अब इसे 2-3 बार पानी से वॉश कर लेंगे, जिससे नींबू का जितना भी खट्टापन है वो सब निकल जाए। अब इसे हल्के हाथों से दबाते हुए इसका सारा पानी निकाल देंगे और 1 घंटे के लिए इसे लटका कर रख देंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन में डालेंगे 1 कप चीनी और 2 कप पानी। हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बनानी है। अब चीनी के पानी में घुलने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है, हम छेने के बॉल्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमें छेने को बिल्कुल हल्के हाथों से मसलना है, जब तक कि ये फ्लफी और लाइट नहीं हो जाता। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मैदा। मैदा इसे एक बाइंडिंग देगा, जिससे ये बिखरेंगे नहीं। देखिए, सॉफ्ट और फ्लफी अभी छेना बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी छेना बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखें, बॉल्स में कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह हम सारे छेना बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, अब हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें 1-1 करके छेना बॉल्स डालेंगे। ध्यान रहे कि इन्हें 1-1 करके ही डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। आप इन्हें ढककर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, अब ये साइज में डबल हो गए हैं। अब इन्हें ऊपर से भी पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे मैदा और पानी का घोल। इसे डालने से चाशनी में उबाल आएगा और झाग बनेंगे, और इसी झाग से छेना बॉल्स की ऊपर की परत पकती है। तो ये प्रोसेस हमें 3 से 4 बार करना है। इन्हें ऊपर से भी अच्छी तरह पकाएंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए, अब हमारे छेना के बॉल्स बनकर तैयार हैं। इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इन्हें 1/2 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसकी स्टफिंग बनाने के लिए हम एक पैन में डालेंगे मावा। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मावा लिया है। मावा अच्छी तरह क्रम्बल हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी और अच्छी तरह मिलाएंगे। गैस को हमें लो पर ही रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ता। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम छेना बॉल्स को चाशनी में से निकाल लेंगे। इसके बीच में हम एक कट लगाएंगे स्टफिंग भरने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सभी में कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। इसे अच्छी तरह से हाथों से दबाकर पैक कर देना है।
अब हम इस पर लगाएंगे पिस्ता और केसर का टीका। तो लीजिए, बंगाली चमचम बनकर तैयार है।